झारखंड असंगठित मजदूर कांग्रेस जिला शाखा की बैठक सोमवार को कचहरी परिसर स्थित महासंघ भवन में की गई। इस दौरान बैठक में मार्गदर्शक के रूप में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा ने की। बैठक के दौरान मुख्य मुद्दों में चिकित्सा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग मजदूरों का अक्टूबर वर्ष 2022 से मानदेय और कोविड काल का प्रोत्साहन राशि भी अवरुद्ध है। बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर भी मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा, साथ ही आउटसोर्सिंग मजदूरों का जानबूझकर ईपीपीएफ खाता नहीं खोला जा रहा है। बैठक के माध्यम से बताया गया कि सिविल सर्जन एवं आउटसोर्सिंग ठेकेदार के मिली भगत से आउटसोर्सिंग मजदूरों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 4 जनवरी को सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष आउटसोर्सिंग कर्मियों एवं मजदूरों द्वारा एक दिवसीय सामूहिक धरना दिया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड की जनता को यह जान लेना चाहिए कि आउटसोर्सिंग लूट का अड्डा है और मजदूरों का शोषण किया जाता है। मौके पर जिला मंत्री रूपलाल महतो, उपाध्यक्ष लखन हरिजन, कोषाध्यक्ष महावीर दास आदि लोग मौजूद थे। देखिए, असंगठित मजदूर कांग्रेस के बैनर तले चिकित्सा विभाग के तमाम मजदूर और कर्मचारी का आज बैठक था जो आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इतना दुखद स्थिति है आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मजदूरों का कि आप जब देखेंगे उसकी तनख्वाह 5,900 यानी 6,000 भी किसी को नहीं मिल रहा और 8 घंटे की ड्यूटी है, यानी एक दिन में 200 रुपया भी मजदूरी उसको नहीं मिलता है और वह मजदूरी भी 3 महीने से बकाया है। इतना ही नहीं, जो प्रोत्साहन राशि कोविड के जमाने में जो सरकार ने घोषणा किया कि 1 महीने का कोविड राशि आवंटन आ गया, सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन वह भी सदर अस्पताल के कुछ कर्मचारी को दे दिया और बाकी ब्लॉक में कर्मचारी को नहीं दिया, चैताड़ी में काम करने वाले कर्मचारी को नहीं दिया। 2 एजेंसियां, 1 एजेंसी ने सदर अस्पताल में मात्र दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। ये स्थिति है दुखद। सिविल सर्जन को पता है कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन मिल रहा है, जबकि भारत सरकार का संविधान है, लेबर एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी से किसी को कम वेतन नहीं देना। उसके बावजूद भी सिविल सर्जन चुप क्यों है? चुप होने का एकमात्र कारण है कि जब चेक करता है आउटसोर्सिंग के पदाधिकारी को, न सिर्फ सिविल सर्जन, अन्य विभागों की जो हालत है, तो उनको मोटा रकम मिल जाता है ठेकेदार से। भाड़ में जाए मजदूर जो पैखाना साफ करता है, कूड़ा साफ करता है, हॉस्पिटल में बीमारी का रेडियल साफ करता है, उसका जान कहाँ जाएगा, मरेगा बचेगा, उसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग को मीटिंग में बड़ी तकलीफ होती है कि कम से कम यहाँ सर आनी चाहिए कि जो मानव सेवा में लगा हुआ है ये गरीब, और 200 रुपया रोज भी उसको मजदूरी आप नहीं दे रहे हैं और वह भी आप 3 महीने से बाकी रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि 4 जनवरी को सिविल सर्जन के सामने तमाम मजदूर धरना में बैठेंगे और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सिविल सर्जन के अंदर में 350 के लगभग मजदूर काम करते हैं, 55-60 लाख रुपया उनका मजदूरी भुगतान होना है, और अगर 3 महीना से नहीं हो रहा है तो ये कितना पैसा फंसा हुआ है। अगर 1 महीना के बराबर उसको प्रोत्साहन मिलना था, किसी को नहीं दिया गया, कितना पैसा फंसा हुआ है। पीएफ अकाउंट भी कतिपय कर्मचारी का नहीं खोला जा रहा है, वो जानता है कि अगर खोलेंगे तो हमको भी 3% जमा करना होगा। इसी बिंदु को लेकर आज हम लोगों ने बैठक किया और निर्णय हुआ कि 4 जनवरी को हम लोग धरना पर सभी लोग कर्मचारी संगठन के सभी नेता उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ इस संगठन के जिला अध्यक्ष रघुनंदन विश्वकर्मा, जिला मंत्री रूपलाल महतो, शंकर पांडे, महावीर हरिजन समेत दर्जनों जो पीड़ित मजदूर थे, सारे लोग बैठक में सम्मिलित थे। यही हम लोगों ने आज निर्णय लिया है।